नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना काल और महामारी के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफ़र करना ज़रूरी मानते हैं। या तो उन्हें अपने गंतव्य की ओर जाना होता है या फिर किसी इमरजेंसी के कारण उन्हें सफ़र करना पड़ता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब नहीं होने के कारण आज कोरोना भारत में फैल गया। हालांकि हम उस स्तर से काफ़ी अच्छे हैं और बेहद सुरक्षित भी, जिस तरह से इटली और अन्य देशों के अंदर हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न होने की वजह से वहां पर हालात बेकाबू हो गए, लेकिन ये सब आम जन को समझना बेहद ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं सरकारें भी मजबूर हो जाती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल खुद रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड-19 के दौरान जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना करें, तो स्वाभाविक है कि इस बड़े खतरे से बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग खुद कितना ख्याल रखते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कुछ एक ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। एक वायरल वीडियो में एयरप्लेन से कुछ दंपति सफ़र कर रहे हैं। वो ऐसे में किसी यात्री ने इसका वीडियो बना लिया। उन्होंने एयरक्राफ्ट में टिकट बुक करवाई और वो इस बात के लिए कि उसका सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इसके बदले उन्होंने दो लोगों की बजाय 3 लोगों की टिकट ली, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए उन्होंने पैसे भी दिए। लेकिन जब वो प्लेन में बैठे तो देखकर हैरान रह गए कि उनसे पैसा पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे उन्हें धत्ता बताया जा रहा है। टिकट बुक करवाने से पहले जो बात उनसे कही गई थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही। इस वीडियो में आप खुद सुन सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये दिल्ली का वीडियो है जहां पर किसी की कोरोना के कारण मौत हो गई। अब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी बेहद ज़रूरी है, और घर में किसी की कोरोना के कारण मौत हो जाने पर लोग घर में भी नहीं आ सकते। इसके लिए आप सामने इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से लोग इस दुखी परिवार की तरफ से संवेदना व्यक्त करने के लिए आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गली में ही टेम्पलेट बना करके और पोस्टर बना करके अपनी अपनी गाड़ियों में से ही परिवार के सदस्यों को ये पोस्टर दिखाते हैं और दूर से ही अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए निकल जाते हैं। आइए दिखाते हैं ये दोनों वायरल वीडियो। पल पल की खास रिपोर्ट। डजन मैटर यार, हमें इससे कोई सरोकार नहीं आता। खाली आ रहा है या भरा हुआ आ रहा है? कौन कहता कि खाली आता है? आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने 3,000 डॉलर आप चार्ज कर रहे हो। आप बेवकूफ समझ रहे हो? आप लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज से इमदाद चाहिए, पैसे चाहिए, हर किस्म का सोचा है? पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी, कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ, मैं आप लोगों को छू करूंगा। 25 लोगों को आप लोगों को छू करूंगा। एक ही वक्त की चारों सीटें एक ही टाइम एट ए टाइम बुक करी है। और क्या बोर्डिंग? ABC। कहाँ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस कहाँ है मुझे वो बता दें। एयरपोर्ट पे आपने हर 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आप बड़ा सैनिटाइजर दे रहे हैं, आप बड़ा सब कुछ बड़ा एयरपोर्ट पे बुकिंग है। सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं। हमें स्पेस क्यों नहीं होगी? आपने हमसे पैसे लिए इस बात के कि हम आपको स्पेस के साथ लेके जाएंगे। आपको 2 प्लेन चलाने चाहिए थे। आप डजन मैटर 2 चलाओ, 10 चलाओ, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपने जो हमसे कमिटमेंट की है हमें वो चाहिए। आप पैसे ले रहे हो, हमें अल्लाह वास्ते नहीं लेके जा रहे हो, ठीक में हमें नहीं लेके जा रहे हो। 3 टाइम आप 3 टाइम हमसे किराया वसूल कर रहे हो। 1400-1500-1800 डॉलर का टिकट आप हमसे 3,000 डॉलर एक तरफ के वन वे के आप चार्ज कर रहे हैं। हमें बताओ कौन से यहाँ पे ये स्क्रीन कितने चल रहे हैं? आप आपकी कितनी सीटें सही हैं?
ये सारी बातें एक तरफ प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया हमें सोशल डिस्टेंस चाहिए, हमें वो आपको कहाँ है यू गिव इट आफ्टर, बाद में ले लेंगे आप। मैं कभी फोन नहीं कर रहा हूँ तेरे को।